ज़्यादा भीड़ है इसमें, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ है। हाँ फिलहाल एवरेस्ट बेस कैंप पे हम लोग पहुँच गए हैं। ओ भाई व्हाट अ व्यू मैन। सो हे गाइस वेलकम टू कुछ व्लॉग वंस अगेन। और आज है तीसरा दिन। आज हम लोग का प्लान है कि मसूरी निकलते हैं और मसूरी में एंजॉय करेंगे। और हमारे साथ ना आज एक और न्यू मेंबर ज्वाइन कर रहा है हमारे साथ पहली बार हमारी ट्रिप पे। अतुल बताएंगे कौन है। कौन है अतुल? आवर न्यू टीम गैंग। हिंदी में बोलिए जल्दी बोलो क्या बोलू मैं। चलो आपको मिलाता हूँ जल्दी से। अभी उनसे जाएंगे मिलने बाहर, मतलब वो बाहर ही मिलेंगे। और हम लोग जल्दी जल्दी अभी तैयार हो गए। रूम का हाल देखो क्या है। और ये देखो भाई ऐसे सब फैला हुआ है इधर 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 इधर। ब्रेकफास्ट बाहर ही करते हैं, चल के देखते हैं। अतुल यार रेडी? हाँ रेडी भाई, एकदम रेडी। चलो ठीक है, आशीष लेने गया जो भी नया गेस्ट है, तो फिर हम लोग जल्दी तैयार होते हैं, साथ में निकलते हैं। अब फैमिली है, जो फैमिली है न्यू उनको लेने गया साथ। आप लोग लास्ट तक AQ को जानते थे, अब AQS को भी जान लो। AQS अब AQS हो गया। तो फाइनली सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से मसूरी के लिए। और जो न्यू गेस्ट थे हमारे, आपको मिलाता हूँ। AQS पहचान तो गए होंगे आप लोग। हमारी भाभी भैया, ये भैया हमारे हेलमेट निकालो भाई। देवर जी हमारे चालान करवाएंगे? नहीं हम चालान नहीं कराएंगे, हम बस पहन रहे हैं हेलमेट। प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर मसूरी रोड देहरादून। क्या प्रकाशेश्वर? हिंदी कमजोर है थोड़ी। इन लोगों ने पहले मंदिर का दर्शन किया यहाँ पे। बेसिकली मैं 2013-14 में आया था पहली बार। अब कहाँ चलना है, कहाँ का प्लान है? मसूरी मसूरी का प्लान। मसूरी में कहाँ? मसूरी का प्लान है कैंपिंग फॉल ये सब। हाँ बहुत हो गई ना, तुम लोग को चश्मा चाहिए था। ये मेरा चश्मा आ गया था, पावर गाइस सम डिफरेंट। तो भैया याला देखो, अरे अरे नहीं नहीं अच्छा लग रहा है वो। अरे वो चाइनीज का नहीं, वो सॉल्ट वाला। हां सॉल्ट वाला वही करो। अतुल भैया याला ले लो, वेल्डिंग करने चलते हैं। ये है चेक पॉइंट, यहां पे आपकी 12 रुपए की अप्रोक्स पर्ची कटेगी आपकी बाइक की खाली। और कार की भी कटती है तो उसे डरना नहीं है, 12 रुपए आपको दे देना है, ठीक है? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और उसके बाद अच्छा सा 15 किलोमीटर का सफर मसूरी के लिए यहाँ से हम जारी रखते हैं। तो यहाँ से भाई लोग व्यू देखो आप। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मसूरी सिटी में और यहाँ से 3-4 किलोमीटर बचा होगा, इसमें काफ़ी लंबा जाम लग गया है। आराम से भाई आराम से यार, ऑटो प्लीज़ आराम से यार, हीरो पानी मत दिखाएगा प्लीज़, आराम से फिर आराम से आ गया। फाइनली अभी हम लोग मसूरी की माल रोड पहुंच गए। ये देखो क्यूट, छोड़ो यार यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, इसमें बहुत ज्यादा टूरिस्ट आया हुआ है। हाँ माल रोड पे हम लोग शॉपिंग करने आ गए, लेने आए बेसिकली शूज, क्योंकि हमारी जो भाभी हैं वो ये हील्स पहन के आई थी और इनको चाहिए शूज, क्योंकि हम लोग को जाना है जॉर्ज अगस्त, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैक है 1-2 घंटे का, क्योंकि वहाँ से व्यू पॉइंट मिलेंगे और यहाँ नहीं मिलेंगे, तो वहाँ जाना जरूरी है। फिलहाल पायलट को हम लोग छोड़ के निकल आए ऊपर और ऊपर की ओर जॉर्ज अगस्त की तरफ। भाभी शूज दिखा दिए। हाँ ऐसे कुछ शूज है, अच्छे हैं एकदम फिटिंग। हाँ अभी ना इनकी स्पीड भी बढ़ गई है। हाँ तो अरे साथ में फोटो क्लिक करते हैं जॉर्ज अगस्त। और यहाँ पे व्यू देखो इतना शानदार है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटोशूट। यहाँ पे हम लोग रुके हैं, यहाँ पे आ गए मोमोज। मोमोज काफी टेस्टी है, अभी हम लोग ने एक प्लेट खा चुके हैं, है ना? ऑलरेडी बहुत टेस्टी है। और ये मैगी हमारी और चाय कॉफी आ रही है। मतलब ये मोमोज कैसे लगे? यहाँ से रास्ता शुरू होता है और यहाँ से जॉर्ज अगस्त की चढ़ाई होती है। जो भी खाने पीने का सामान है यहीं से ले लो, ज़्यादा क्या है यार, 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है तो इतना कुछ रखने की जरूरत नहीं है। रास्ता बना हुआ है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हील में भी आ सकते हो। क्या
फिलहाल एवरेस्ट बेस कैंप पे हम लोग पहुंच गए हैं। बटो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला है इसलिए पहले जोर एवरेस्ट चढ़ रहा है। हाँ, गेटिंग सम इंस्पिरेशन उनसे पूछा हाइट कैसे नापी इन्होंने, इसलिए जॉर्ज एवरेस्ट का पहले बेस कैंप देख लिया। हाँ, लेट्स आस्क हिम। ये आ गया मेमोरियल पॉइंट जहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट रहा करते थे, इनकी कोठी है ये बेसिकली। पीछे हमारे जो दिख रही है, हम सबके पीछे पीक दिख रही है ना, समिट दिख रहा है जो भी है, जो भी नहीं जॉर्ज जॉर्ज एवरेस्ट समिट पीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे थोड़ी देर, यहाँ पे इंजॉय करते हैं अदरवाइज लॉटरीज में, क्योंकि यहाँ पे इसमें धूप बहुत है। वे टू जॉर्ज एवरेस्ट 900 मीटर्स ओनली। फुल एनर्जी आ गई है रेस्ट करने के बाद। ओ भाई, व्हाट अ व्यू मैन। वहाँ पे एक कैफे, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, उधर से भी एक रास्ता है, काफी रास्ते हैं क्योंकि एक्चुअली सेंटर में ना थक गई है, काफी शॉर्टकट मार दिया। तो यहाँ से शॉर्टकट है ऊपर जाने का, और आशीष से सपोर्ट, आराम से आराम से। हाँ, गुड 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 गुड। जॉर्ज एवरेस्ट, ये फ्लैग्स काफी सुंदर है। वाओ, ऊपर समिट है, वहां चलते हैं। गाइस, फाइनली वी आर ऑन द समिट जॉर्ज एवरेस्ट पीक। धूप बहुत ज्यादा तेज है यहाँ पे, सूरज ऊपर है। ये इसका नीचे वाला व्यू है, इधर ये पूरा देहरादून वैली, उधर से भी सेम व्यू दिखेगा, उधर नहीं जा रहा मैं। साक्षी भाभी इधर है, इनसे पूछते हैं कैसा फर्स्ट ट्रैक का एक्सपीरियंस रहा। बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है मेरे अकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ट्रैक है फर्स्ट ट्रैक। क्यों डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि शूज की ग्रिप अच्छी नहीं है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, आधा मुझे उसके वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा है, समिट आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे अच्छे हैं, और भी अच्छे अच्छे ट्रैक के लिए प्लीज बुलशिट ब्लॉग्स को एंड बंजारा आदि प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो ज्यादा एंजॉय करना हो तो प्लीज फुटवेयर में हील्स लेके आए। हील्स लेके आए और मजा आएगा यहाँ पे, और ज्यादा मजा आएगा, यू विल एंजॉय। बाकी शाम के 4:30 हो रहे हैं, हम लोग नीचे उतरते हैं, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।